नमस्कार, अब हम लोग पैथोलॉजी के एक नए टॉपिक में बात करेंगे, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस के बारे में। इसमें हम दो अलग अलग टाइप के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। हम एडल्ट ऑनसेट की बात करेंगे और उसके बाद हम इन्फेंटाइल ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी की बात करेंगे। तो ये दोनों ही टाइप्स हमें डिस्कस करना है। जैसा कि हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसके सिम्टम्स के आधार पर उसे समझने का प्रयास करते हैं, और प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसे तभी वैल्यू देते हैं जब हमें सिम्टम्स मिलते हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेज में बैक में पेन होगा, लोअर साइड्स में पेन होंगे, फ्लैंक पेन होगा, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेज में, हम इसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। हेडेक क्यों हो रहा है, बात समझ में आता है, किडनी के पास सिस्ट बना हुआ है, सिस्ट है तो इस वजह से बैक में पेन हो सकता है या फ्लैंक में पेन हो सकता है, लेकिन हेडेक क्यों हुआ इस बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी यूरिनेशन की, ये बात भी समझ में आती है। हिमाचूरिया भी समझ में आता है, किडनी में सिस्ट होंगे ये भी बात समझ में आता है, किडनी का फंक्शनल लॉस हो जाता है ये बात भी हमें समझ में आती है। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे, लेकिन हेडेक क्यों होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे हिपैटिक फंक्शंस भी यहां पर प्रभावित होते हैं, वो क्यों प्रभावित होते हैं। तो मैं बता दूं कि इसका एसोसिएशन बॉडी के दूसरे पार्ट से भी है। इस तरीके के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस का एसोसिएशन बॉडी के दूसरे पार्ट से भी है, क्यों है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम दो तरीके के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस हैं जिसमें एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न शो करता है, इसलिए उसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस कहते हैं, और दूसरा लेस कॉमन होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसे ARPKD कहते हैं। जो दूसरा है वो लेस कॉमन होता है, ये बात भी याद रहना चाहिए, और दूसरे में ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न मिलता है, इसके कारण हम उसे ARPKD कहते हैं। इसका और भी नाम है, ऑटोसोमल डोमिनेंट को ही एडल्ट ऑनसेट कहते हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव वाले को इन्फेंटाइल ऑनसेट कहते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव इन्फेंटाइल ऑनसेट और ये एडल्ट ऑनसेट, क्यों ऐसा कहते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न शो करता है तो दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव, इसी वजह से इस तरीके के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस के दोनों फॉर्म्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं उनके पैटर्न्स की बेसिस पर। जैसा कि हम जेनेटिक्स के टॉपिक में पढ़े हैं, इनके होने के चांसेस एडल्ट ऑनसेट अगर है, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट या एडल्ट ऑनसेट PKD है तो इसमें 50-50 चांसेस होंगे, और दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होगा तो उसमें 25% चांसेस मिलते हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम दोनों के बीच में अंतर करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट PKD ज्यादा कॉमन है, लेस कॉमन है ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसे हम इन्फेंटाइल ऑनसेट भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम होती ही क्यों है, यहां पर सिस्ट क्यों डेवलप होते हैं, इस बारे में भी हम सोचने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल किडनी तो ऐसी होती है, इसमें सिस्ट कैसे डेवलप हो गए। तो अभी हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस के बारे में, और उसके बाद हम ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो AD की करने वाले, ऑटोसोमल डोमिनेंट की करने वाले हैं, जिसमें हम बायलेटरल प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ सिस्ट, जिसके कारण ESRD हो जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज। एक्चुअली याद रखिएगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज का ये लास्ट स्टेज होता है। जब क्रॉनिक किडनी डिजीज का यह स्टेज पहुंच जाता है तो किडनी का ट्रांसप्लांट करना ही एकमात्र ऑप्शन होता है। लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखना है कि यहां सिस्ट के नंबर बढ़ेंगे जो लास्ट में चलकर के एंड स्टेज तक पहुंचा देते हैं। जब ये सिस्ट बनते हैं तो न सिर्फ किडनी में बनते हैं बल्कि लीवर में भी बनते हैं। इस तरीके के सिस्टिक फॉर्म यानी एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म के रूप में फॉर्म होते हैं,
इस दौरान कार्डियक वाल्व्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कई जगहों पर सिस्ट या सिस्ट के जैसा क्यों बनना शुरू हुआ, इसको हम जेनेटिक लेवल पर सोचने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर डिफेक्ट कुछ जीन्स में होता है। कौन से जीन्स हैं, याद रखिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं एडीपीकेडी एडल्ट डोमिनेटिंग की बात कर रहे हैं, और सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेटिंग की बात कर रहे हैं, एडल्ट ऑनसेट की बात कर रहे हैं। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जो फॉर्म है उसमें दो जीन्स में डिफेक्ट है, PKD1 और PKD2। ये दोनों ही जीन्स हमारे बॉडी के अधिकतर ऑर्गन्स और टिश्यूज में नॉर्मली ये दोनों ही जीन्स एक्सप्रेस्ड होते हैं। काम क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं, और इनसे बनने वाला प्रोटीन कौन होता है, पॉलीसिस्टिन 1 और पॉलीसिस्टिन 2। तो PKD1 ने पॉलीसिस्टिन 1 और PKD2 ने पॉलीसिस्टिन 2 प्रोटीन बनाया, और ये काम क्या करते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स के मॉर्फोलॉजिक कॉन्फिगरेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये करते क्या है, एपिथेलियल सेल्स के मॉर्फोलॉजिक कॉन्फिगरेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो एपिथेलियल सेल्स का मॉर्फोलॉजिकल कॉन्फिगरेशन प्रभावित होगा। जाहिर सी बात है, एपिथेलियल सेल्स उतनी टाइट नहीं रह पाएंगे, वो बीच बीच से बल्ज कर सकती हैं। इसके कारण क्या होगा, इसी की वजह से सिस्ट डेवलप होगा। तो आप समझ सकते हैं ना, यहां पर प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन बेरी एनियरिज्म के रूप में हो सकता है, और आप देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेटिंग जो फॉर्म्स हैं उसमें हाइपरटेंशन अर्ली मैनिफेस्टेशन है। इस दौरान चूंकि सिस्ट के कारण किडनी का साइज बड़ा हो जाता है, इसके कारण पाल्पेबल बायलेटरल फ्लैंक मासेस नजर आते हैं, और यहां पर नॉडुलर हिपेटोमिगैली भी देखने को मिल सकती है, पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज भी यहां पर डेवलप हो सकता है, यहां रीनल फेल्योर से रिलेटेड भी सिम्टम्स मिलेंगे, और एक साथ कई ऑर्गन्स क्यों प्रभावित हुए, वो कुछ खास प्रोटीन्स को कोड करने वाले जीन्स में डिफेक्ट की वजह से हुआ। तो चलिए इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म होता है एडल्ट ऑनसेट। एडल्ट ऑनसेट क्यों कहा, क्योंकि यहां पर साइन एंड सिम्टम्स 30 से लेकर 40 इयर्स के बीच में स्टार्ट होते हैं। ये जनरल पैटर्न यही होता है। तो मैंने आपको बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और जो जीन्स अफेक्ट होते हैं वो PKD1 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है, और दूसरा जीन है PKD2 जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर होता है। तो याद रखना है, ये जो PKD के एडल्ट ऑनसेट या ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म है, इसमें दो जीन्स प्रभावित होते हैं। क्रोमोसोम्स कौन सा होगा जिसका जीन्स प्रभावित होगा, तो पॉलीसिस्टिक किडनी को जब आप काउंट करेंगे तो 16 नंबर आता है, तो क्रोमोसोम नंबर 16 याद रखिएगा। ये एक ट्रिक हम बना सकते हैं याद करने के लिए। यहां पर बायलेटरल किडनी इन्वॉल्व होगा और किडनी की साइज बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको बताया किडनी की साइज बड़ी होगी क्योंकि सिस्ट यहां पर फॉर्म होंगे, और यहां पर मल्टीपल सिस्ट फॉर्म होंगे, और ये सिस्ट किडनी में कहीं पर भी अराइज कर सकते हैं, जबकि इन्फेंटाइल में कलेक्टिंग डक्ट्स में ही ये केवल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जुवेनाइल ना कहकर के इसको आप इन्फेंटाइल समझिएगा। इन्फेंटाइल में जो सिस्ट फॉर्म होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स में होते हैं, तो इन्फेंटाइल है, ये जुवेनाइल नहीं कहेंगे, इन्फेंटाइल ज्यादा सही टर्म रहेगा। तो इन्फेंटाइल में कलेक्टिंग डक्ट्स, और एडल्ट ऑनसेट में किडनी के किसी भी पार्ट में नेफ्रॉन, जो कि सीधे तौर पर हम कहें नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के किसी भी पार्ट से सिस्ट अराइज कर सकते हैं। इसमें कॉर्टिक्स और मेडुला दोनों ही अफेक्ट होते हैं, और लगातार नॉर्मल किडनी में सिस्ट बनते बनते किडनी की साइज इतनी बड़ी हो जाती कि ये पाल्पेबल हो जाता है। आप देखेंगे ये इतना बड़ा हो जाता है जैसे एक फुटबॉल की साइज के बराबर ये हो जाता है। इस इमेज में हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में सिस्ट का एक्चुअल फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है उसको देख सकते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में सिस्ट नेफ्रॉन में फॉर्म होते हैं, और चूंकि हम एडल्ट ऑनसेट की बात कर रहे हैं तो उसमें सिस्ट कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं। आप देखिए यहां पर ये सिस्ट कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं। हम इस इमेज के माध्यम से इन सारे पॉइंट्स को आपको दिखाना चाहते हैं, और यहां पर एक पॉइंट और भी याद रखना है,
जब हम इन्फेंटाइल फॉर्म की बात करेंगे तो इन्फेंटाइल फॉर्म में अधिकतर सिस्ट कलेक्टिंग डक्ट्स के पार्ट से होंगे, जबकि ये एडल्ट ऑनसेट में या ऑटोसोमल डोमिनेंट में कहीं से भी अराइज कर सकता है। इन्फेंटाइल फॉर्म में केवल कलेक्टिंग डक्ट से। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्ट डेवलप कैसे हुए, इसका पैथोलॉजिकल बेसिस क्या है। हम इसके पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में खास बात यह है कि जर्म लाइन म्यूटेशन हुआ PKD1 और PKD2 जीन्स का। तो म्यूटेशन किसका हुआ? PKD1 और PKD2 का। और यहाँ पर इसके कारण सेलुलर प्लानर पोलैरिटी में अल्टरेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का रीमॉडलिंग होगा, सेल प्रोलिफरेशन प्रभावित होगा और सेल की सीलिया का मॉल फंक्शंस यहां पर देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली होगा कि आप सीधी सी बात ये समझ लें कि यहां पर ले दे करके होना है कि ये पूरा का पूरा जो भी जेनेटिक फैक्टर्स के अल्टरेशन की वजह से जो भी म्यूटेशन हुए हैं, जिसके कारण सेलुलर प्रोलिफरेशन में प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण सिस्ट डेवलप हो जाएंगे। सीधी सी बात यही हम याद कर सकते हैं कि सिस्ट फॉर्म होने के लिए जीन्स में डिफेक्ट हुआ। यहां पर उन्हीं सारी चीजों को एक फ्लो चार्ट में और हम देख सकते हैं। पॉलिसिस्टिन 1 और पॉलिसिस्टिन 2 जीन में प्रभाव पड़ने के कारण अल्टर्ड मैकेनोसेंसेशन ऑफ ट्यूबुलर सीलिया या अल्टर्ड कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे अल्टर्ड ट्यूबुलर एपिथिलियल ग्रोथ होगा। यहां पर एबनॉर्मल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिलेंगे, जो कि अभी हमने इमेज में देखा था। सेलुलर प्रोलिफरेशन अच्छे से नहीं हो पाता, फ्लूइड का सिक्रेशंस भी यहां पर अल्टर्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो इसके कारण एक सिस्ट डेवलप होता है। इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें इतना याद रखना है कि जीन्स कौन से यहां पर प्रभावित हुए हैं। सिस्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी के कुछ और भी पार्ट्स में होंगे, क्योंकि जो प्रोटीन्स फॉर्म होती है पॉलिसिस्टिन 1 और पॉलिसिस्टिन 2, वह बॉडी के लगभग हर एक सेल्स के लिए के सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी होती है। तो बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहां पर भी सिस्ट बनने लगेंगे, क्योंकि जीन प्रभावित हुआ तो प्रोटीन प्रभावित हुआ है। तो लीवर पैंक्रियाज स्प्लीन में भी इसका असर देखने को मिलता है। और यहां पर इस तरीके का सिस्टिक फॉर्म हमें बेरी एन्यूरिज्म के रूप में सर्कल ऑफ विलिस में भी देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है यहां पर इसके कारण सर्कल ऑफ विलिस में बेरी एन्यूरिज्म होने के कारण सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस हो सकते हैं। तो चलिए सारी बातों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और बात एक बार फिर से एडल्ट ऑनसेट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज की करेंगे, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। जीन्स यहां पर अफेक्टेड होते हैं PKD1 क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाया जाता है, PKD2 जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाया जाता है, PKD1 पॉलिसिस्टिन 1 प्रोटीन बनाता है, PKD2 पॉलिसिस्टिन 2 प्रोटीन बनाता है। ये बायलेटरल प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सिस्ट किसी भी पार्ट से अराइज कर सकता है, नेफ्रॉन का कोई भी पार्ट, जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था, कहीं से भी हो सकता है। और चूंकि पॉलिसिस्टिन जो प्रोटीन्स हैं वो सेलुलर फंक्शंस के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए सिस्ट चूंकि फॉर्म होगा वो ना सिर्फ किडनी में फॉर्म होगा बल्कि ये लीवर पैंक्रियाज और स्प्लीन में भी डेवलप हो सकते हैं। इस तरीके के सिस्ट का फॉर्मेशन ब्रेन में अगर हो, सर्कल ऑफ विलिस में हो, तो बेरी एन्यूरिज्म के रूप में नजर आएगा, जो कि सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस के साथ प्रेजेंट करेगा। मिट्रल वॉल भी यहां पर प्रोलैप्स कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो इसके बाद हम समझ पाएंगे यहां पर कॉजेज ऑफ डेथ को। मैंने आपको पहले ही बताया था यहां क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सबसे अर्लीएस्ट फीचर होगा हाइपरटेंशन, और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होगा। अदर कॉजेज में आप सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस को सोच सकते हैं या फिर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्यों? क्योंकि मिट्रल वाल्व का प्रोलैप्स यहां पर देखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फेंटाइल ऑनसेट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न शो करता है। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव होने वाले डिसऑर्डर्स
का क्या चांसेस होता है नेक्स्ट जनरेशन में जाने का, लेकिन याद रखना है कि यहां पर पॉलीसिस्ट ये इन्फेंटाइल ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में PKHD1 जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाया जाता है उसका डिफेक्ट यहां पर देखा गया है। तो ये पॉलीसिस्टिक किडनी और हिपैटिक डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाला ये जीन क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव जिसे चाइल्डहुड या फिर इन्फेंटाइल ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस रखता है। लेस कॉमन है पेरीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल, ये इसके कई सारे सब कैटेगरीज हो सकते हैं टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन और एसोसिएटेड हिपैटिक लीजन्स की वजह से। तो मैंने आपको बताया यहां पर दो चीजें होंगी, किडनी और लीवर दो चीजें प्रभावित होंगे, जबकि इससे पहले जब हमने बात किया था तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स एडल्ट ऑनसेट या ऑटोसोमल डोमिनेंट में प्रभावित हो रहे थे। यहां म्यूटेशन किसमें होता है, उस जीन का नाम PKHD1 जीन है जो कि प्यूटेटिव मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन को बनाता है जिसे फाइब्रोसिस्टिन कहते हैं, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। यह PKHD1 जीन में म्यूटेशन जो होता है वो जीन पाया कहां जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाया जाता है। और याद रखिएगा ये जीन बनाता क्या है, फाइब्रोसिस्टिन को। फाइब्रोसिस्टिन का काम क्या है, ये बेसिकली एक खास रिसेप्टर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फाइब्रोसिस्टिन फंक्शन ऑफ सीलिया के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो पेरेंट्स मान लीजिए वो कैरियर हैं, कैरियर स्टेट में हैं, तो कैरियर स्टेट में ये डिजीज दिखेगी नहीं, अनअफेक्टेड रहेंगे। मान लीजिए फादर और मदर अनअफेक्टेड हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है, तो इसका आप यहां पर देख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब ये इनके बीच में क्रॉस मैटिंग होगा तो आप समझ सकते हैं ये कितने चांसेस यहां पर हो सकता है, उसको हम यहां पर एक इमेज के माध्यम से समझ पाएंगे। इनके बीच में अगर क्रॉसिंग होती है तो जीन्स कैसे अरेंज होंगे आप देख लें, इसमें 25% गुंजाइश है ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, और दो 50% में ये कैरियर चांस होगा, और एक सिंगल जो 25% जो मामला होगा उसमें उम्मीद ये रहेगी कि वो टोटली अनअफेक्टेड हो। तो कैरियर स्टेट में मदर फादर अगर हैं तो अफेक्ट होने के चांसेस केवल 25% ही ऑफस्प्रिंग को होता है। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर इन्फेंटाइल ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये PKHD1 जीन में फॉल्ट होने की वजह से डेवलप होता है। दो ऑर्गन प्रभावित होंगे, किडनी और लीवर। ये किस प्रोटीन को कोड करता है, फाइब्रोसिस्टिन को, इस बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। और यहां पर याद रखना है कि ये सिस्ट नेफ्रॉन्स के किसी भी साइट में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट्स में डेवलप होते हैं। तो आप समझ लें यहां पर ये क्यूबाइडल एपिथिलियम से घिरे हुए सिस्ट होंगे जो केवल और केवल कलेक्टिंग डक्ट्स में डेवलप होंगे। इससे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने देखा था सिर्फ वो, वहां पर हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन का कोई भी पार्ट अफेक्ट हो सकता है, यहां पर केवल कलेक्टिंग डक्ट प्रभावित होगा। इसके अलावा लीवर में हमें हिपैटिक फाइब्रोसिस मिलेगा, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यहां पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होता है, ये बात याद रखना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो चार तरीके के सिस्टिक डिजीजेस पॉसिबल हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और यहां GCKD और डिफ्यूज सिस्टिक डिस्प्लेसिया। इन सभी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ARPKD, ADPKD, ग्लोमेरुलोसिस्टिक डिजीज जिसे हम GCKD कहते हैं, और डिफ्यूज सिस्टिक डिस्प्लेसिया। ये सारे नाम हमें याद रहने चाहिए, और इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया।